हेलो फ्रेंड्स, मैं बालमुकुंद पांड्या। आज आपके लिए आपकी डिमांड से रीडेवलपमेंट का पार्ट 8 लेके आया हूँ। आप लोगों ने होप कि मेरे 1 से 7 पार्ट रीडेवलपमेंट, स्टेप बाय स्टेप रीडेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग के देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सातों सात का मैं लिंक डाल दूंगा, आप जरूर से देख लेना। अगर आप रीडेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको कोई कंसल्टेशन के बिना आप 1 से 7 या ये 8वां पार्ट भी देख के आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, मैं आई बटन में पहला पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द रीडेवलपमेंट पेस्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से आप पहले एपिसोड से अच्छी तरह देख पाएंगे। दोस्तों, आज का एपिसोड आप लोगों की डिमांड की वजह से मैंने किया है कि मैंने 1 से 7 पार्ट में टोटली दिया है कि क्या करना है, लेकिन एग्रीमेंट के बारे में क्लैरिटी नहीं दिया था। तो लोगों की डिमांड की वजह से आज का एपिसोड एग्रीमेंट रीडेवलपमेंट ऑफ द जो बिल्डिंग है, इसमें एग्रीमेंट में क्या क्या हमें देखना है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस थिंग्स, और इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए जिसकी वजह से कोई गलती ना हो जाए, जिसकी वजह से कोई चूक न रह जाए, और जिसकी वजह से डेवलपर और तो बिल्डर आपका कोई एडवांटेज लेके ना जाए। देखो दोस्तों, सारे डेवलपर बिल्डर अच्छे ही होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ गलती की वजह से हमें भुगतना पड़ता है। तो लीजिए, आज का एपिसोड है कि रीडेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग करते हैं तो एग्रीमेंट में हमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिसकी वजह से फ्यूचर में आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रीडेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग, ये हम 1 से 7 पार्ट देख चुके हैं, आज का 8वां पार्ट है। इसमें हम एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, सब आपका बिल्डर, डेवलपर और जो सोसाइटी मेंबर है उसके साथ रह के, और आपका आर्किटेक्चर भी अगर है तो ये एग्रीमेंट को फाइनल कर रहा है। और एग्रीमेंट में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, सबसे पहले कि आप कितने टाइम में रीडेवलपमेंट करके ये बिल्डिंग देने वाले हैं, उसका स्टार्टिंग से एंड तक होना चाहिए। उसके साथ अगर आपने रीडेवलपमेंट का ये टाइमली स्लॉट नहीं किया तो व्हाट विल बी द पेनल्टी क्लॉजेस एज पर द गाइडलाइंस। उसके बाद हर फ्लैट मेंबर को एग्जिस्टिंग जो भी एरिया है वो एरिया के हिसाब से प्रो रेटा में या तो व्हाट सो एवर जो फाइनल डिसीजन हुआ है उसकी एग्रीमेंट में क्लैरिटी अप टू डेट होनी चाहिए कि कौन बंदे को कितना स्क्वायर फीट मिलना चाहिए, एग्जिस्टिंग इतना है और अभी नए में इतना मिलेगा। थर्ड ऑप्शन, अगर किसी को ज़्यादा एज पर FSI के हिसाब से मिल जाए लेकिन किसी को ज़्यादा एरिया चाहिए तो वो लेने के लिए उसको पर स्क्वायर फीट कितना पैसा देना पड़ेगा, उसकी भी क्लैरिटी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आपका ऑल्टरनेट अकोमोडेशंस, जब आप 2 साल या 3 साल या तो 4 साल का जो प्लान है तो ऑल्टरनेट अकोमोडेशन के लिए आपको कोई हाउस प्रोवाइड किया जाएगा, या तो आपका जो रेंट का प्रोसेस है इसमें आपको क्या करना है, कितने लिमिट तक मिलेगा, उसकी भी क्लैरिटी बहुत ही अनिवार्य है, वो एग्रीमेंट में शामिल होना चाहिए। उसके बाद ये जो रीडेवलपमेंट का जो एग्रीमेंट है उसको रजिस्ट्रेशन होने का, एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 102 108 के हिसाब से करने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, उसमें क्लियर मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जो मीन्स अलॉटमेंट कैसे होगा, जो एग्जिस्टिंग जो मेंबर है उसका और जो नए आने वाले हैं उसके लिए उसकी प्रॉपरली क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी फ्लैट ओनर है एग्जिस्टिंग उसको कौन से फ्लोर पे कितने स्क्वायर फीट का, जो पहले बताया उस हिसाब से मिलना चाहिए, उसकी क्लियर कट गाइडलाइंस अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि आप जब भी आप मकान कंप्लीट फिनिश हो जाएंगे उसके बाद उसका वर्क पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ उसका अलॉटमेंट दिया जाएगा, और उसकी NOC हर एक फ्लैट ओनर की लेनी है, उसकी भी क्लियर कट गाइडलाइंस अंदर होनी चाहिए। उसके बाद ये रीडेवलपमेंट के अंदर मे बी पॉसिबल है कि प्राइजिस, क्योंकि 3 साल तक चलेगा,
अभी स्टील्स है, सीमेंट है, उसके प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो बेस्ड ऑन आपको ये भी फिक्स करना पड़ेगा कि आपको एक फिक्स कॉस्ट पे जाना है और वेरिएबल कॉस्ट पे जाना है, एज पर द बिल्डर्स की गाइडलाइन और जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस हिसाब से सबको सहमति से उसके जो वेरिएबल पैरामीटर्स है, क्योंकि ये डाइसी होते रहता है और उसमें डेवलपर या तो बिल्डर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से चलता है। तो उसका क्या रेशियो चलता है, क्या है, उसकी क्लैरिटी बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि आपने मुझे इतना बताया था, बाद में इतना क्यों बढ़ गया, जिसमें डेवलपर और बिल्डर की कोई गलती नहीं होती है। तो उसकी भी क्लैरिटी बहुत ही जरूरी है, बाद में कैसे क्या नहीं होना वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जब पजेशन हो जाता है उसमें, मीन्स आपका बिल्डिंग में क्या क्या एमिनिटीज देने वाले हैं उसकी भी होनी चाहिए। आपका सरप्लस फंड कितना देना है, उसके बाद शिफ्टिंग, सपोज आपने मकान तो आपका ऑल्टरनेट ऑप्शन अकोमोडेशन दे दिया, लेकिन आपका जो सामान है उसको पुराने घर से जो ऑल्टरनेट ऑप्शन और ऑल्टरनेट ऑप्शन से वापस नए घर आने के लिए कौन उसका शिफ्टिंग का चार्जेस देगा, एज ए रूल्स के हिसाब से तो डेवलपर को देना चाहिए। उसकी प्रॉपरली क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में ऐसा ही कोई झगड़ा नहीं होना मांगता किसी डेवलपर, बिल्डर और सोसाइटी के साथ। तो एग्रीम पहले कोई भी काम शुरू करने के पहले एग्रीमेंट के अंदर ये सारी चीज बाकायदा होनी चाहिए। हर एक मेंबर की रिस ऑनरशिप है कि वो एग्रीमेंट के अंदर मैंने बताए हुए सारे पॉइंट्स अंदर है कि नहीं, वो क्लियर कट कीजिए, उसके बाद ही आप फाइनली सहमति दी। क्योंकि एग्रीमेंट ऐसी चीज है, मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ इसलिए कि एग्रीमेंट ऐसा है कि बिल्डर, डेवलपर और सोसाइटी मेंबर के बीच का एक ब्रिज है, वो ब्रिज पक्का होना चाहिए। डेफिनेटली उसके अंदर आप दोनों को सहमति है और आपको विश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़ना है, तो ही आपकी एक अच्छी सोसाइटी रीडेवलप होगी। उसके साथ अगर आप ये चाहते हैं कि जो नए एमिनिटीज के साथ जो एडिशनल एमिनिटी क्या चाहिए, पार्किंग एरिया कैसे मिलना चाहिए, पार्किंग कितना मिलना चाहिए, आपका एरिया कितना मिलना चाहिए, वो सारी चीज आप क्लियरली पहले से क्लेरिफाई कीजिए, जिसकी वजह से बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा एक मुद्दा मेरे पास आया था, इसलिए मैं उसके साथ कवर कर रहा हूँ कि कोई मेंबर ऐसा है कि जिसको रीडेवलपमेंट के बाद उसको फ्लैट नहीं चाहिए, तो उसको क्या कितना पेमेंट मिलना चाहिए उसकी भी क्लैरिटी अंदर होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है, दूसरा कोई फ्लैट है उनके पास, तो रीडेवलपमेंट के साथ वो पैसे निकल के लेके निकल जाता है। तो ये भी हो सकता है कि आपका कितना फंड या तो कितना मिलना चाहिए उस हिसाब से आपको एग्रीमेंट का पूरा फॉर्मेट तैयार करके रखना पड़ेगा। किसी और को गाइडेंस चाहिए तो रीडेवलपमेंट के अंदर फॉर्मेट में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, आप मुझे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू, बट दैट विल बी अ चार्जेबल बेसिस, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वाइज आपके डिमांड के हिसाब से और ऐसे रेडीमेड नहीं मिलता है, उसको बनाना पड़ता है बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट, बेस्ड ऑन वो आपका जो जी टर्म्स एंड कंडीशन हिसाब से। दोस्तों होप कि रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट के बारे में आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। उसके बाद फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज मैसेज कीजिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करना, और रीडेवलपमेंट के बारे में अगर कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू दोस्तों।